का मेरा वीडियो मैं एक्चुअली मुंबई आई हुई हूँ मेरी सिस्टर के पास, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं और हम सब हमारे फैमिली आज आइकिया जा रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ आइकिया। आई नो बहुत सारे लोगों ने दिखाया है और बहुत सारी चीज़ें, सो मैं स्पेशल ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ आइकिया के लिए। बट हम क्या करने वाले हैं आइकिया जाने वाले हैं, रास्ते में क्या करने वाले हैं, हम कितना फ़न करने वाले हैं फैमिली के साथ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। सो मेरा आज का ब्लॉग बस यही रहेगा, हमारी तैयारी आइकिया जाना है, वहाँ से आना और उसके बाद थोड़ा सा फ़न। आज का पूरा दिन का शेड्यूल यही है। सो अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, तो अभी मैं आपको, अभी हमें रेडी होना है, अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी हम कैसे रेडी हो रहे हैं, हम फटाफट कैसे जा रहे हैं आइकिया, और आइकिया में क्या क्या चीज़ें हम लेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। सो मेरे साथ बने रहिए पूनम के चैनल पे, पूनम मैजिक ट्यूबर पे, एंड सी अस व्हेन यू गेटिंग रेडी। आई एम रेडी। यू हैव नॉट वोर योर शूज। ओके But you are not ready. Yeah, I'm getting ready. I will get ready. I will get ready. When you will get ready, Mishu? You have to take shower also. You also have to take shower. Yes, I have to take shower. But I think you should get ready first. No, you should get ready first. I will get ready when you are. Pakka, after me. Okay. आप कब ready हो रही हैं? बस अब जा रही हूँ। आपने नहा लिया? नहा लिया? अच्छा, मॉर्निंग में ही नहा लिया था आपने आज, करेक्ट। ऑल राइट, सो मैं भी जा रही हूँ रेडी होने के लिए। क्या पहन रही हैं आप? ओके, गुड। सो सब रेडी हैं, बस आई मीन ऑलमोस्ट रेडी हैं, और मुझे बस नहाना है और रेडी होना है, तो मिलते हैं नहाने के बाद। So we are almost ready. हम लोग रेडी हो चुके हैं। You guys, you guys. मिशकु, घर का किस मम्मी के बारे में डाल दोगे? Ready. हाँ. Hey guys, thank you for 10 likes in the before video. Because it was like really good, no, you did tell. जोहल का वीडियो मैंने कट किया, उसकी आदत है, वो उसका बस चले तो वो मेरे सारे वीडियोस वही होस्ट करे, बट मैंने कट किया उसकी बातें, एंड वी जस्ट हेडिंग टू गो। सो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आइकिया जो है वो नवी मुंबई में है, एरोली में, नवी मुंबई में जो खुला हुआ है सबसे पहला आइकिया वो नवी मुंबई में एरोली में है। सो एरोली में घुसते ही हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला था, सो जनरली इतना ये बेसिक ट्रैफिक है एरोली का, एंड हियर इट इज आइकिया। दोस्तों ये काफ़ी बड़े पैमाने पे खुला हुआ है आइकिया, आई मीन आप अगर अंदर जाते हो तो पूरा बहुत बड़ा है ये, वो आप मेरे वीडियोस में देखोगे। इसका एरिया इतना बड़ा है कि लगता है अंदर एक सिटी है, और पार्किंग स्पेस इतना है यहाँ पे कि पूछो मत।
ये आप खुद देखोगे, ये लगता है कि कोई एक अलग से रोड बनाया हुआ है, हाईवे है, बट ये हाईवे नहीं, ये इन्हीं का रोड है, आइकिया का। और यहाँ पे आपको पार्किंग फ्री है, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। इसके 3-4 फ्लोर पार्किंग ही है, सो पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है, बहुत स्पेशियस है और बहुत सेफ है। सो गाइस, हम आ गए हैं आइकिया के अंदर। मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे सारे फर्नीचर हैं एंड ग्राउंड फ्लोर पे पूरे आपको यूटेंसिल्स वगैरह सारे मिलेंगे। ये फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर ये सारी चीज़ें सजाई हुई हैं। सो यू कैन सी, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दिखा के नहीं बताया है, मैंने सिर्फ वीडियो लिया है। गाइस, आइकिया में क्या नहीं है, आई मीन एवरीथिंग यू विल गेट, ऑल काइंड ऑफ स्टफ। आई मीन आप एक घर को जैसे सजा सकते हो, हर एक अलग तरह की सजावट, हर एक अलग तरीके का थीम, आई मीन कलर कॉम्बिनेशन ऑफ सोफ़ा, बेड, वार्डरोब्स, चेयर, टेबल, एवरीथिंग, यू विल गेट कन्फ्यूज ओवर यर। आई मीन इतने सारे वेराइटीज़ आपके हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे कि यू विल गेट कन्फ्यूज कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है, आई रियली एडमायर दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन। इसमें खास बात ये है कि दीज आर वेरी सिंपल, यूनिक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे जो भी स्टफ है आप बिल्कुल तड़क भड़क नहीं देखोगे। सोफ़ा भी आप देखोगे बहुत सिंपल है, चेयर भी बहुत सिंपल है, बेड्स भी सारी सिंपल हैं, ज़्यादातर वाइट कलर के इस्तेमाल में सारी चीज़ें हैं। सो आई बेसिकली लाइक वाइट, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा देख रहे हो। सो दिस ऑल आर, आई मीन इसमें जितना आपको दिखाए सी अलग तरीके का थीम एवरीवेयर यू सी। ये एक तरफ अलग डाइनिंग हॉल बना हुआ है, एक तरफ अलग बेडरूम बना हुआ है, एक तरफ अलग सोफ़ाज रखे हुए हैं, ऑल कलर्स। सो ये सारी चीज़ें अलग अलग काफ़ी एडमायर करती हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये मिश्का को मिल गया अच्छी जगह छिपने की। वेरी शी मिश्कू, वेर आर यू, शी इज हियर। एक बार बोलना चाहूंगी, लिटरली वहां पे जाने के बाद देख के लगता है कि हाउस दे हैव अरेंज, कितना छोटा सा डाइनिंग टेबल, बेड, ओ माई गुडनेस, मतलब घर ऐसा हो जाए तो कितना कूल होना। सो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घर हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल अरेंज्ड बाई आइकिया। रेंज मैं बताऊँगी कि बहुत सारे रेंजेस काफ़ी रिजनेबल हैं इसमें, बहुत सारे रेंजेस थोड़े मुझे महंगे लगे।
ऑब्वियसली सारी चीज़ें अपने बजट में नहीं होती हैं, सारी चीज़ें बजट के हिसाब से कोई ज़्यादा चीज़ है, लेकिन हाँ क्वालिटी भी वैसी ही है, आपको हर चीज़ की एक क्वालिटी इसमें मिलेगी। सो आई रियली लाइक दिस, बट मैंने ये नहीं लिया है यहाँ से बिकॉज़ मुझे इससे बड़ा चाहिए था थोड़ा, और वो जो लाइनिंग्स थे ग्लास में वो मुझे नहीं चाहिए था, सो आई डिडंट बॉट दैट। दोस्तों मुझे ये कलर काफ़ी अट्रैक्ट करता है और मुझे इसके किचन भी ये कलर का बहुत अच्छा लगा, बट मुझसे ज़्यादा किसी और को अच्छा लगा, मेरी सिस्टर को, एंड शी बिकेम सो क्रेज़ी। मतलब ये उसका सेकेंड टाइम है, वो हमेशा पागल हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद। शी लाइक्स द स्टफ, ये मेरी मम्मा और मम्मा को किचन बहुत अच्छा लगा, ये उनके कपड़े से मैच भी कर रहा है, यू कैन सी शी इज़ सो एक्साइटेड। क्या बना रही है? खुश है, बनाइए। Anything, the toys and everything is there only, down only. Everything is down only, here only furniture, remember. We need to go down. So, bachchon ko ab thoda tiredness hone laga hai. You guys, if you want, you can come little later. Joel and Mishka, they are little tired about, थोड़े से टायर्ड हो गए हैं। दे आर जस्ट वरीड अबाउट कि हम कब जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, कुछ खाएंगे, वी आर जस्ट वेटिंग एंड दे आर बिट टायर्ड। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शॉपिंग पसंद नहीं है, और कुछ लोगों को शॉपिंग बहुत पसंद है, कुछ लोगों को विंडो शॉपिंग भी बहुत पसंद है। विंडो शॉपिंग में से मैं और मेरी सिस्टर हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमको बहुत मज़ा आता है, वी नेवर गेट टायर्ड, हम कभी नहीं थकते हैं। आप एंड तक उसे देखोगे, मेरी सिस्टर को, शी इज़ वेरी एक्टिव towards the things, what she's seeing, उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, she's very excited, वो कभी थकती नहीं है। मतलब बाहर आने के बाद when you are asking to let's go for the shopping, she is always ready. I mean उसके हिसाब से मैं तो बहुत कम हूँ उसके जैसी नहीं हूँ, बट फिर भी उसके साथ आई थिंक हमारी ज़्यादा जमती है, इसीलिए मम्मा टायर्ड हो जाते हैं, बाकी सब फैमिली में टायर्ड हो जाते हैं, बट शी नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी नहीं होती ऐसी, सबसे आगे वही है दिखाने में, ये वो, वाओ दिस बेडरूम इज ब्यूटिफुल। सो गाइज, इसमें मैं जितने स्टफ आपको दिखाऊँ उतना कम है। ये आइकिया का टूर आई थिंक अभी तक का पता नहीं आपने कितने देखे होंगे, बट इतने विस्तार से किसने दिखाया है, नहीं दिखाया, आई डोंट नो। इसमें आप पूरा आइकिया देख सकते हो, आपने जो नहीं देखा होगा वो सारी चीज़ें भी घर पे बैठे बैठे देख सकते हो। आप आ भी सकते हो, ये हमारा ब्रेक टाइम, ये हम लोगों को कुछ लंच करना था एंड हम लोग मम्मा को और किड्स को बिठा के एंड इट्स वी गोइंग फॉर द कॉफ़ी एंड ऑल, वी आर जस्ट टायर्ड। सो ये जगह भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जिस हिसाब से इन्होंने बनाई है, काफ़ी खुला छोड़ा हुआ है कि आप एकदम आराम से बैठ जाओ, आप एक घंटे ले लो, आधे घंटे ले लो, हम आपको पूछने नहीं आएंगे कि आप कितना आराम कर रहे हो। सो दे आर जस्ट वरीड अबाउट देयर लाइक व्हाट यू आर बाइंग, यू हैव टू बाई पर कप, वहाँ पे होता है, अगर आपने कॉफ़ी लेनी है, अगर आपको तीन कप लेनी है तो आपको तीन कप कॉफ़ी चाहिए तो आपको कप्स ख़रीदने होते हैं, और उसमें आप कॉफ़ी चाय जो भी आपको लेना होता है दैट यू हैव टू बाई। खाने वगैरह में भी चॉइसेस अभी फ़िलहाल थोड़े से मुझे कम लगे उस हिसाब से नहीं है। सो हम लोगों ने शॉप थोड़ा सा ब्रेक के बाद फिर से बैक टू द शॉपिंग आ गए। जैसा कि मैं बताया, मेरी बहन एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, शी इज़ ऑलवेज वेरी एक्टिव कि ये चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा, एंड मॉम
थोड़ी टायर्ड हो गई हैं डेफिनेटली. यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, मैंने बहुत सारे मॉल देखे गाइस, मैंने बहुत सारे मॉल में गई हूँ, लेकिन कहीं पे भी यू नो नॉर्मली मॉल में बाहर एरिया में आपको बैठने मिल जाता है, बट आपको अंदर में अगर कहीं जाओ कोई भी शॉपिंग सेंटर में, जैसे कोई भी शॉपिंग सेंटर हो गया, जैसे क्रोमा हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, शॉप स्टॉप हो गया, पेंटलून्स हो गया, व्हाटएवर, होम सेंटर हो गया, व्हाटएवर, यू विल नॉट गेट सिटिंग अरेंजमेंट. बट टचवुड, यहाँ पे इनको भी पता है कि कितने थक जाते हैं लोग, सो उनको बैठना ज़रूरी है. सो यहाँ पे जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाती है बैठने की, एंड दे आर सुपर नाइस पीपल, दे डोंट से एनीथिंग, आई मीन दे लेट अ सीट. इनफैक्ट मेरी मम्मा ने तो बहुत सारे बेड पे बैठी, बहुत सारे सोफ़ा पे बैठे हैं, वो बैठ बैठ के आराम कर कर के आगे बढ़ रहे थे. सो जहाँ पे भी टायर हो जाते थे वो जाके बैठ जाते थे. सो नॉट इवन माई मॉम, सारे लोग वहाँ पे मैंने देखा, जो भी आए हुए हैं, बच्चों को लेके आए हुए हैं, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेके आए हुए हैं, दे आर वेरी रिलैक्स ओवर देयर, दे आर जस्ट टेकिंग वन अ नाइस सोफ़ा एंड जस्ट अरेंजिंग देयर बेबी मिल्क एंड एवरीथिंग. सारी चीज़ें वो अरेंज करके वहीं पे खिल बच्चे को दूध दे रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं. सो उस हिसाब से काफ़ी कंफर्ट आइकिया देता है हमें, जानबूझ के देता है, नहीं जानबूझ के देता है ये मुझे पता नहीं है, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है सच उस हिसाब से. ये सारे बर्तन अलग अलग टाइप के, क्या क्या मतलब इसमें कितने सारे वैरायटीज़ आप देखोगे, क्या नहीं है यहाँ पे, मतलब जो आपने नहीं लेना है वो भी मन करता है ले लो आप. सो मम्मा को देख के मुझे लग रहा था कि यार मम्मा को कहीं बिठा दो, हम लोग घूम ले रहे हैं, लेकिन हमारा घूमना ख़त्म नहीं हो रहा था, हमको अच्छा लग रहा था घूमना. मेरी बहन का बस चले तो पूरा आइकिया वो ख़रीद ले यहाँ पे. जैसे कि मैंने बताया, शी लव्स आइकिया, उसको बहुत पसंद है वहाँ के प्रोडक्ट्स, उसे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड दीज आर द प्लान्स, सुपर क्यूट, वाओ, नाइस कलर, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा छोटे में कॉम्पैक्ट. मैं तो ऐसे प्रोडक्ट देख रही थी, मेरी बहन बोली तुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुझे अभी उठा के लेके जाना है सारे प्रोडक्ट, तो उठा उठा के सारी चीज़ें देख रही थी. आई वॉज लाइक उसकी रिटेलिंग में मैं ज़्यादा घुस रही थी कि हाँ ये कैसे बना है, क्या बना है. सो किचन के काफ़ी सारे स्टफ यहाँ पे, ऐसे ऐसे बोल्स, ऐसे ऐसे प्लेट्स, ऐसे ऐसे डिनर सेट, ऐसे ऐसे ग्लास के, कांच के सारे बर्तन हैं यहाँ पे. गाइस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इतने डिटेल में आपको पता नहीं किसी ने घुमाया है कि नहीं आइकिया में, जितने डिटेल में मैं घुमा रही हूँ. आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरे साथ आइकिया में आके, और आप अच्छे से देख पाए या नहीं देख पाए. मैंने पूरी कोशिश की है इसमें आपको पूरा आइकिया दिखाने का, इसमें इसलिए आपको फास्ट फॉरवर्ड करके सारी चीज़ें दिखाई हैं गाइस, क्योंकि अगर ये पूरा वीडियो अगर बनता, हम लोग वहाँ पे करीबन 3 से 4 घंटे 5 घंटे हमारे चले गए थे. सो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है बहुत सारी चीज़ें. दीज आर द ब्लैंकेट, सुपर क्यूट, काफ़ी अच्छे रेंजेस थे इसके भी. द किड्स आर टायर्ड नाउ, बहुत टायर्ड हो गए हैं वो, और हम थे कि हमें छोड़ने का मन कर नहीं कर रहा था. प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मिले थे वहाँ पे, एंड आई एम फॉलोइंग हर माय सिस्टर, सी शी इज़ ऑलवेज, आई मीन ये देख दी, ये देख दी, ये देख दी, एंड शी इज़ क्रेजी एज आई टोल्ड यू.
दोस्तों हम करीबन वहाँ पे 1:30 बजे नहीं 2 बजे से आए थे और हमें 9:00 हो गया. यस 9 बज गए रात के वहाँ पे. आप इमेजिन कर सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8 आई मीन हम लोगों ने 5-6 घंटे वहाँ पे गुजार दिए और हमको पता ही नहीं चला. और फिर जो हम भागे रात को वी वर जस्ट टायर्ड, बहुत टायर्ड हो चुके थे. मैं देखा भी लेकिन आई थिंक 5-6 किलोमीटर तो उसी ने चल लिया होगा यार सब ने उसी में. सो जिस दिन आपको वॉकिंग करने का मन ना हो और आपको कुछ शॉपिंग करने का मन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो. सो गाइस हम लोग आ गए हैं आईकिया से. बट द थिंग इज़ हमारा प्लान ऐसा हुआ है कि हमको अभी स्विमिंग पूल जाना है. सो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी. सो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी कि आइकिया से मैंने क्या लिया. प्रोडक्ट हॉल्स डालूँगी मैं आपके लिए और मैं बताऊँगी क्या प्राइस में क्या मिला, कितना रिजनेबल है, क्या है. सो मैं आते आते से वीडियो नहीं बना पाई. सो आप देख सकते हैं आई एम रेडी फॉर द स्विमिंग पूल. सो मैं रेडी हूँ. सो लेट्स सी आप मेरे नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स हमने क्या लिया आइकिया से. Till that time, stay tuned. Thank you so much for watching me. And please, don't forget. आप बिल्कुल मत भूलिए मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना. अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो मुझे बताना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो भी मुझे बताना, कमेंट करना. Thank you so much. Bye.